नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको आलू प्याज के स्वादिष्ट पहाड़ी कढ़ी बनाना बता रहा हूँ। यह पहाड़ी कढ़ी जो है आलू के साथ और प्याज के साथ पहाड़ में बनाई जाती है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, यह कढ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए आलू, दो आलू मीडियम साइज के, और उसको बारीक काट लेना है। साथ में एक बड़ा प्याज, इसको भी हमको जो है बारीक काटना है। और साथ में चाहिए हमको एक पाव से ज़्यादा जो खट्टी दही जो हो तो वो बढ़िया है। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, और इसको मतनी से हम लोग पहले मत लेंगे, जिससे इसमें ये इसके जो है इसको जो है मतनी से अच्छी तरह से मथेंगे, जिससे इसमें जो है गांठे ना पड़े। और इसके साथ ही हम लोग इसमें जो है डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ में नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च। ये देखिए, ये डाल दिया धनिया और 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक भी साथ जो हमें चाहिए स्वाद अनुसार, वो हम इसमें डाल के इसको इसके साथ में मत लेंगे। जो दही है बिल्कुल एकदम इसके साथ में मत जाए और गांठे ना पड़े। अब ये थोड़ा सा मिर्च और डाल देते हैं। इसको अच्छी भांति मत लेंगे। और अब दोस्तों, एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमको इसको मतना है, पकाना है। और गैस ऑन करते हैं, पहले गैस ऑन करेंगे और फिर इसको जलाएंगे। ये गैस जल गया हमारा, इसके ऊपर कढ़ाई गरम करते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे सरसों का 1 चम्मच, बड़ा वाला 1 चम्मच तेल, और इसको गरम करके जो आलू हमने बारीक काटे हैं वो इसमें थोड़ा 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे, जिससे आलू पक जाए। आलू ऐसे हम लोग इसके साथ भी जब इसका तड़का बनाते हैं तो उस समय भी हम उससे पका सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा ढंग से पकते नहीं हैं। तो इसको आपको इस तरह से तेल में पका लेना है और ये फ्राई हो जाएंगे। जब ये पक जाएंगे तो ये झाग देना बंद कर देगा, तो समझ लीजिए पक गया। जो पानी आलू के साथ में जो पानी होता है वो तेल के में ऐसा झाग ये देता है। जब ये पूरा पक जाएगा तो फिर ये झाग देना बंद कर देगा। ये इसको पका लेंगे। ये हमारे गढ़वाल साइड में इस तरह से आलू और प्याज की कढ़ी बहुत बनाई जाती है, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता। एक पकोड़ी वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, उसमें बेसन के साथ में आलू काटो या आलू की उसकी बनाओ, तो इसमें ये फटाफट बन जाती है। तो और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये तेल जो बच गया है इसी में हम लोग अब जो है मसाला बनाएंगे। ये हमने 1 चम्मच डाल दिया है मेथी दाना, और 1 चम्मच हम इसमें जो है डालेंगे जीरा, और साथ ही ये जीरा भी डाल दिया है हमने। अब इसमें कड़ी पत्ता भी डालेंगे, और हमने एक जो पेस्ट बना रखा है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, वो भी इसमें हम लोग बाद में मिक्स करेंगे। अब ये मेथी दाना पक गया है जी, और इसमें कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है, और साथ ही जो प्याज हमने काटे हैं वो भी इसमें हम भून लेंगे।
साथ में हम ये इसको अच्छी तरह से उसमें सुनहरा होने तक भूनेंगे। और ये हमने जो अभी इसमें हम लोग जो पेस्ट भी हम डालेंगे, थोड़ा ये भुन जाए तो फिर उसको भी इसके साथ में पका लेंगे उस मसाले को। लहसुन तो इसमें जो है हम लोग डालते हैं, वैसे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पेस्ट थोड़ा सा है तो अच्छा टेस्ट देगा इसमें। इसको भली भांति से हमको भूनना है। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। हरी मिर्च का अपना टेस्ट होता है, अदरक लहसुन ये सब, ये इसको अच्छी तरह से सुनहरा होने तक भूनेंगे। उसके बाद ये आलू जो हमने फ्राई किए थे वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे, और उसको मसाले के साथ में जो ये इसके साथ में इसको फ्राई करेंगे। आलू तो पहले से पके हुए हैं लेकिन तब भी ठीक है कि इसके साथ में ये थोड़ा जो मसाला हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी इसको इसका जो स्वाद है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बन गया है मसाला हमारा। तब इसमें हम लोग जो दही हमने मथी है और जो मसाले इसमें हम डाले हैं तो वो इसके साथ में हम लोग इसको डालेंगे। बस थोड़ा ये सुनहरा हो जाए प्याज तो फिर इसमें जो घोल बनाया हुआ हमने दही का वो इसमें डाल देंगे। एक बार ज़रूर आप लोग इसको ट्राई करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी भी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, करीब एक साल हो चुका है। और ये जो हमने ये पेस्ट जो दही का जो घोल बनाया था वो इसमें हम लोग डाल देंगे। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, यदि चावल के साथ बनाना है तो उसको फिर हमें और इसमें पानी मिक्स करना पड़ेगा। अभी ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें पानी डालेंगे, जितना हमको हल्का जो गाढ़ापन को दूर करने के लिए, क्योंकि हमें अभी करीब 15 मिनट तक हल्की आंच में इसको पकाना है। क्योंकि मेथी जो ये कड़ी होती है उसको जितना पकाया जाए उतना उसमें टेस्ट आता है। इसमें हम पानी डाल देते हैं, ये थोड़ा सा भी अभी और गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि दही के साथ में जो बेसन होता है वो बैठ जाता है, उसको हमें चलाते रहना चाहिए और धीमे आंच में इसको पकाएं। ये थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, इसमें गाढ़ा है अभी। इसका टेस्ट अच्छा होता है काफ़ी, आप सभी इसको एक बार ट्राई करें। ये अभी थोड़ा सा बस जितना बहुत है पानी, क्योंकि हमें चावल के साथ के लिए बनाना है तो इसमें जो गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। करीब 25 मिनट इसको ऐसे ही पकाएं चलाते हुए। और ये अभी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, अब इसको चावल के साथ परोस सकते हैं। प्लीज़ इसको एक बार घर में ट्राई करें, और इस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।